तो वो अपनी पहचान दिखाने में, दो परिवारों का नाम कमाने में कहीं भी पीछे नहीं हटती। और इसका संकेत है हमारी उपायुक्त महोदया डॉक्टर प्रियंका सोनी जी, महिला सशक्तिकरण का प्रतीक, विभिन्न मौकों पर अनूठे प्रयासों के द्वारा, अनूठे प्रयोगों के द्वारा धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं उनका जिला प्रशासन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने समय दिया। और उपायुक्त महोदय जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, एस पी साहब का भी, मैं सभी अधिकारियों का, जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बेटी जन्म हुआ है जी, बेटी जन्म के उत्सव पे बधाइयाँ हो रही हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं। और हरियाणा में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बेटियों की संख्या 900 पार जा रही है। ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। और ये ICDS का, इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग का विशेष योगदान है। ये सारा अवेयरनेस का कमाल है जो गाँव में हमारी आंगनबाड़ी वर्कर्स, सुपरवाइज़र, CDPOs, BO मैडम, इन सब का कंट्रीब्यूशन है जिसके कारण ये सब इतना अच्छा हो पाया है हमारे समाज में। और आज इसी के ऊपर, इसी उपलक्ष में हमारी झांकी निकाली गई है जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आस्पेक्ट को रखा गया है और महिलाओं को अवेयर किया गया है कैसे कुपोषण को दूर किया जा सकता है, अति कुपोषित और कुपोषित बच्चों को कैसे नॉर्मल ग्रेड में लाया जाए और कैसे इनका अच्छी से इनके बैलेंस डाइट दी जाए और ताकि हमारे देश के स्वस्थ बच्चे पैदा हों। और आजकल जो आंगनवाड़ियां हैं वो हमारी कन्वर्ट हो रही हैं प्ले स्कूल में, तो उसी के ऊपर दिखाया गया है झांकी में भी आज कि प्ले स्कूल किस तरह से बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है, किस तरह से हमारे बच्चों का, इनका किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, इनको शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, रचनात्मक और भाषा विकास, गणित से संबंधित विकास, इस तरह से हमारे बच्चों की ऑल ओवर डेवलपमेंट की जा रही है, तो वो सब झांकी के माध्यम से दर्शाया गया है। और जैसे कि हर बार आती है, इस बार भी महिला एवं बाल विकास विभाग की झांकी प्रथम स्थान पर रही है, तो हमें बहुत खुशी हो रही है। और सबसे बड़ी बात खुशी की ये है कि हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स की और हेल्पर्स की अभी ट्रेनिंग चल रही थी, तो हम लोगों को सिर्फ कल ही एक दिन का टाइम मिला जिसमें हमने ये सब प्रिपरेशन की थी और उसमें हम सफल भी रहे, तो हमें बहुत खुशी है कि हमें बहुत थोड़े टाइम पर इतनी अच्छी, हमारे इतने सॉलिड हाथ हैं, हमारी इतनी समर्थ महिलाएँ हैं कि एक दिन में इतना अच्छा इन्होंने करके परफॉर्म करके दिखाया। तो कारों का प्रदर्शन, लोक गीतों का प्रदर्शन, लोक कलाओं का प्रदर्शन,
पहली बात कहूँ अहम बताऊँ बेटी है तो कल है। अभी जो मैम ने जो संगीत गाया, मतलब कि कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, किरण बेदी, ऐसे ऐसे नाम अगर मैं जानता बोलूँगा भारत देश में वास्तव में एक बहुत बड़ी पहचान है। इस बारे में क्या कहेंगे आप, क्या संदेश देंगे जो दर्शक देख रहे हैं? वास्तव में यही है कि हमारी बेटियों ने कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा है जहाँ उन्होंने अपना स्थान ना प्राप्त किया हो, और जो है आगे भी जो उनको ऐसा माहौल मिल रहा है वो आगे और भी तरक्की करेंगी और अपना स्थान अच्छे से अच्छे क्षेत्र में पहुंचेंगी। बेटी आगे की बेटियाँ आगे, आपने कहा है बेटों से भी आगे बढ़ रही है।